रफीक, संभालो इन कुत्तों को। क्यों नहीं कहते कि शेर का शिकार कुत्ते उठाकर ले गए? वो हरामजादा मैं फिर तुम्हें मात दे गया। ऐसा मालूम होता है कि मैंने भेड़िए नहीं गीदड़ पाल रखे हैं। दफा जा मेरे जज्बों के सामने से और डूब मरो चुल्लू भर पानी में। Get out! ऑटोमोबाइल्स की नई कार प्रियदर्शनी का जनता ने जी खोल कर स्वागत किया है। हमारे पास 1000 कारों के पेशगी ऑर्डर आ चुके हैं। मिस्टर चैटर्जी, आप 1000 घोड़ों का भी बंदोबस्त कीजिए। जी, पेट्रोल की कीमत अगर इसी तरह बढ़ती रही तो कारों को खींचने के लिए हमें घोड़े भी सप्लाई करने पड़ेंगे। Yes. महेश टेक्सटाइल मिल्स के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वो अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। उनकी तनख्वाह दुगनी कर दो। जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली पेट में इनकलाब पला करता है। हम जो नई डिस्टिलरी लगाने जा रहे हैं, आपने उसका नाम क्या सोचा है? आपने क्या नाम सोचा है? आपके नाम पर भी हो सकता है। आप होश में तो हैं शर्मा जी? हमारी सभी एंटरप्राइजेस की तरह इस एंटरप्राइज का नाम भी हमारे बेटे के नाम पे होगा, महेश डिस्टिलरीज। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। वेल जेंटलमैन, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई साहब। भाई साहब, दुश्मन ने हम पे सामने से वार किया है, मेरी जान लेने की कोशिश की। मैक, कल महेश आ रहा है। भाई साहब मैक,
कल वो दिन आ रहा है जिसका मैं सोते जागते इंतजार कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों मैक, जब वो दिन आ रहा है तो मुझे डर सा लगने लगा। नमस्कार, हमारा विमान जल्द ही रोम के हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बुझा दे और सिगरेट बांध ले। धन्यवाद। श्रीमान जी, न्यूयॉर्क से यहाँ तक आपके पिताजी का जिक्र सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पिताजी वहाँ गए। अब रोम से भी आपके पिताजी का संबंध जरूर होगा। रोम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी 2 साल पहले हमने पिताजी का जन्मदिन रोम में मनाया था। न्यूयॉर्क से प्लेन चार्टर करके मैं यहाँ आया था। जन्मदिन पिताजी का हो या मेरा, हम हमेशा साथ मनाते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लगता है दुनिया में एक ही बाप है और एक ही बेटा। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं। आ, 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 किसी और की जरूरत महसूस तो होती है। भाई साहब, ये झटका कैसा था? पैराशूट किधर है? फास्टन योर सीट बेल्ट। बैग तो मैंने बांधा हुआ है। आप अपनी पेटी बांध लीजिए। पेटी मेरी सब बांध रहे। कुर्सी की पेटी। कुर्सी की पेटी, कुर्सी की पेटी, कुर्सी की पेटी। किधर है साली? अरे मिल गई। इधर है साली, मिल गई। आज के बाद तुम में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा, फोन तक नहीं करेगा। कोई जरूरी काम आ जाए तो मैक के जरिए मुझ तक पहुंचा जा सकता है। मैक, पैलेस में ऐसी कोई भी चीज का निशान नहीं रहना चाहिए जिससे हमारे बेटे को हमारे धंधे के बारे में जरा सा भी शक हो। ओके, दैट्स ऑल। ओ मैक, क्या मांगा भगवान से? मुझे किस चीज की कमी है जो भगवान से मांगू? किसी भी चीज की कमी नहीं। जिस चीज की कमी है वो भी भगवान ने दे रखी है। और वो चीज कल घर लौट रही है। सीमा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लोग उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से फॉरेन जाते हैं, बाहर जाते हैं, और तुम अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आ रही। श्रीमान जी, मैं आपकी तरह करोड़पति बाप की बेटी नहीं हूँ। मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है और उन्हीं लोगों ने मुझे शिक्षा के लिए बाहर भेजा। अब वापस लौटकर उसी स्कूल में अपने जैसे अनाथ बच्चों की सेवा करनी है मुझे। हाँ सीमा, ये अनाथालय की बात क्यों तुम मुझे याद आया, इस सिलसिले में तुम पिताजी से मिल लेना, वो तुम्हारी काफी मदद कर सकेंगे। फिर पिताजी? नहीं, सच कह रहा हूँ मैं, उनकी बहुत जगह पहचान है, हर जगह। कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट में, पुलिस में, कसम में पहचान है, कसम में, कसम में। अब फिर आ गए। माफ कीजिएगा भाई साहब, बात ही कुछ ऐसी है, मैं कुछ घड़ियां ले आया हूँ ज्यादा, अगर वो कसम से निकल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके पिताजी? ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू साहब, हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं और क्या कह रहा था? और क्या पिताजी? हाँ, पिताजी के बारे में कह रहा था, जितना भी तुम्हारा काम होगा ना अनाथालय के बारे में, वो सब हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई साहब, क्या है कि मैं कलर टीवी भी लेकर आया हूँ। कलर टीवी? रंगीन, रंगीन। वो आपके हिंदुस्तान में किस काम आएगा? अरे हिंदुस्तान में भी रंगीन ही आएगी ना टीवी में, एडवांस में ले आया हूँ, वो भी निकल जाएगा ना कसम से आपके पिताजी। ठीक है, निकल जाएगा, हो जाएगा ना। एक तरकीब है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, तरकीब बाद में। काफी बोर किया है इस आदमी ने। आपसे भी ज्यादा। क्या कहा? मुझसे भी ज्यादा? मुझसे भी ज्यादा? भाई साहब, मेरे पास कुछ टैक्स की किताबें हैं, कुपत ज्ञान की 10 हैं, मैं
तीन आपको दे दूंगा। मेरा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ना। थैंक यू साहब, थैंक यू। भाई साहब, वो आप तरीका बता रहे थे ना, तरीका। देखिए, एक कोड वर्ड है। कोड वर्ड? खुफिया लफ्ज। खुफिया लफ्ज, हाँ। वो बोल दीजिएगा वहाँ, हाँ। आपका सारा सामान निकल जाएगा, आपका बैग भी नहीं खुलेगा कोई। अरे वाह, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? वो अब्दुल वहाब। अब्दुल कहा? अब्दुल कहा नहीं, अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, अरे वाह, थैंक यू भाई साहब। लेकिन वो सेक्सी तीन किताबें मुझे जरूर दीजिएगा। तीन क्या, क्या दे दूंगा? अरे अब्दुल वहाब की कसम, अरे अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब। ये सारा सामान आपका है? जी, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, मैं भी तो आप ही का हूँ। ठीक है ठीक है, सामान खोलिए। अब्दुल वहाब जी, अब्दुल वहाब। What nonsense? क्या आप हिंदी समझते हैं? अरे यार, अब्दुल वहाब। मिस्टर अग्रवाल, आपको मिस्टर सबरवाल ने बुलाया है। मिस्टर अब्दुल, टेक केयर ऑफ दिस मैन। मिस्टर अब्दुल वहाब। मेरा नाम अब्दुल वहाब नहीं, अब्दुल सत्तार है। अरे यार, अब्दुल वहाब। यहाँ कोई अब्दुल वहाब नहीं, सामान खोलिए। लाइए आपके मसल देखें। लाडो मसल, हरक्यूलिस मसल, टोनी मसल, बट वेयर इज अब्दुल वहाब मसल? मेरा सारी दुनिया में धंधा चलता है, मैं एक हाथ से सारी दुनिया का टाइम देख लेता हूँ। इस वक्त अमेरिका में 9:30 बजे, लंदन में 7:30 बजे में, होनोलुलु में क्या बजा भाई, क्या बजा भाई, सब भाई साहब देखिए क्या बजा हुआ है। इसे छोड़िए, इसको ये बतलाइए हिंदुस्तान में क्या बजा। हाँ, हिंदुस्तान में क्या बजा हुआ है? ओह यस, वेयर इज माय वॉच? ओह नो नो, कैमरा वॉच। क्या बजा हुआ है, क्या बजा हुआ है? आप मेरे साथ चलिए अंदर, मैं बतलाता हूँ क्या वक्त बजा है। 13 बज गए। अरे अब्दुल वहाब, अरे अब्दुल वहाब, अरे अब्दुल वहाब। महेश अंकल, कैसे बेटे? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ अंकल। डैडी कहाँ है? बेटो जरा शतरंज की बाजी चल रही थी इसलिए वो नहीं आ पाए। Ha 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 ha!
प्लीज अंकल। पायलन, शोर कौन मचा रहा था? जल्दी बताओ वरना सबकी मरम्मत होगी। माँ बाप के लाल प्यार से बिगड़े बच्चों को सुधारना मुझे खूब आता है। टीचर, मैं बिगड़ा नहीं हूँ, मैं तो रेलगाड़ी लाया हूँ, आपके लिए पिताजी ने भेजी है। और ये रेलगाड़ी मुसाफिरों को यहाँ से कहाँ ले जाएगी? मेरे घर। क्यों? डैडी उस सुंदरी को मिलना चाहते हैं जो एयरपोर्ट पर मेरे साथ थी। और अगर मैं ना आई तो? तो ये रेलगाड़ी स्कूल और घर के बीच जिंदगी भर शटल करती रहेगी। संस्था के लिए हमारी तरफ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कल महेश के जन्मदिन की एक पार्टी है, उस पे एतराज मत करना। सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस आया है। हम पैसे वालों की यही एक कमजोरी है, माफ कर देना उसे, लेकिन आना जरूर। जैसे आपकी इच्छा। 10,000 बस? सीमा तुम्हें बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं, थोड़ा और लंबा भाषण देती ना तो 10,000 के बजाय 20,000 मिल जाते। क्यों डैडी? नहीं। बस हो गया, बस बात हो गया, बस। अच्छा माँ, मैं सीमा को घर छोड़ के आता हूँ। और हमेशा की तरह देर से आना। मेरा ख्याल है चले यहां से। चलो। ठीक है सीमा जी, पिताजी ने 10,000 का चेक क्या दे दिया, आपकी हंसी बंद नहीं हो रही। अब आप बैठ जाइए, बैठो ना। ये कौन था? महेश, किंग का इकलौता बेटा, थोड़े ही दिन हुए विलायत से लौटा है। किंग इस पर जान छिड़कता है और ये भी अपने बाप को शराफत और इंसानियत का पुतला समझता है। नहीं जानता कि वो इस मुल्क का नामी स्मगलर है। और ये लड़की सीमा महेश के साथ आई है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। थैंक यू। मैक, बहू कैसी लगी? देखिए भाई साहब, इसमें आपकी और मेरी पसंद नहीं चलेगी। भाभी जी से पूछिए। मेरी पसंद का भी कहां सवाल उठता है मैक? सवाल है सीमा इस घर में बहू बन के आना चाहेगी क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। Yeah.
देखो राजा, इस बार दुश्मन को चकमा खाना ही चाहिए। असली माल यहां उतरेगा। सोना यहां से 20 मील दूर इस जगह स्कॉच और सिगरेट का कंसाइनमेंट आएगा। दुश्मनों को खबर मिलेगी कि हम सोना स्मगल कर रहे हैं। राजा, तुम बड़ी होशियारी से उनके हाथों गिरफ्तार हो जाओगे। वो तुमसे पूछेंगे कि माल कहां से आ रहा है। तुम बताने से इनकार करोगे, वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे। फिर तुम मजबूरी का एहसास दिखाकर उन्हें गलत जगह का पता बताओगे। उसके बाद मैं सोना लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। बोलो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? कल मैं कैसे आ सकता हूं? कल तो महेश का जन्मदिन है। ओहो, तुम किसी तरह संभाल लेना। क्या उन लोगों की ये हिम्मत? ठीक है, कल आता हूं मैं। हाँ शोलाए गुल की जुल्फ से सबा की बात चली, हर से जुनून की बंदे गिरां की जुर्म सजा की बात चली। गुलशन हजार मर्तबा कह चुका हूँ, अब इस दलदल से निकलना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मेरे बेटे को उस दलदल में क्यों घसीट रहे हो? बेटा मेरा भी है और मैंने उसे हमेशा इस दलदल से दूर रखा है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके जन्मदिन की पार्टी तुम दे रहे हो और तुम खुद घर हाजिर रहोगे तो उसे शक नहीं होगा? पार्टी खत्म होने से पहले लौट आऊंगा, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। पार्टी के पहले लौट आओगे? तुम जब काम के लिए जाते हो तो तुम्हारे जिंदा लौटने की भी गारंटी नहीं रहती। हाँ मखाब बात का पतंगड़ मत बनाओ सरोज, आज तक मैं हमेशा लौट के आया हूँ कि नहीं? तुम्हारे धंधे में केवल आज रहता है, कल नहीं। तुम क्या जानो डर क्या होता है? रात रात भर धड़कते दिल से इंतजार करना पड़ता तुम्हें तो समझते। सरोज, जिंदगी भर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चली, लेकिन अब मुझे अपने बेटे का भी ख्याल करना है। क्यों शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर सच्चाई को रगड़ते हो? क्यों नहीं इस धंधे से हाथ समेट लेते? अब भी वक्त है। नहीं सरोज, जितना मैं इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा ये दलदल मुझे उतने ही गहरे घसीट लेगा। मगर जिसकी खुशी के लिए तुम उस दलदल में फंसे थे वही तुमसे अगर मुंह मोड़ ले तो? नहीं, मेरा बेटा मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। अपने पिता की मजबूरी को जरूर समझेगा, हर हालत में मुझे माफ कर देगा। मैंने कभी किसी बात की जिद नहीं की। आज एक पत्नी के नाते, माँ के नाते पहली बार एक मांग कर रही हूँ, पूरी नहीं करोगे? महेश को पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। क्या पता चलेगा माँ? यही कि तेरे डैडी तुझसे प्यार नहीं करते। तो
क्या बात है डैडी, माँ इतनी नाराज क्यों है? बेटा कुछ ऐसा काम निकल आया है कि कल पार्टी में मुझे खुद पहुंचने में देर होगी। लाख समझाया तुम्हारी माँ को पार्टी खत्म होने से पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे मेरा जाना अच्छा नहीं लगता। कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। डैडी जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, वरना तुम्हारी पार्टी छोड़कर जाने की मैं सोचता ही नहीं। खैर आप फिक्र मत कीजिए, माँ को मैं समझा दूंगा। हैप्पी बर्थडे सनी, कम ऑन, या 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 चीयर्स। हैप्पी बर्थडे सनी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sunny boy. Happy birthday to you. Cheers! Oh. लक्ष्मण कैंची देना। लक्ष्मण जरा कैंची। जुग जुग जियो। आज कुछ मांगू तुमसे? जो जी चाहे मांग ले। पिताजी पे नाराज मत होना, उन्होंने मुझसे वादा किया है पार्टी से पहले पहुंच जाएंगे। देखो खान, अपना प्लान यह है कि नकली माल तुम्हारी कश्ती में होगा, दुश्मन तुम पर हमला करेगा
और वो हमला कामयाब होना चाहिए। ओ गंजे, असली माल तुम्हारी कश्ती में होगा, तुम होशियार रहना, समझे? हेलो जी। अब्दुल वहाब। ओ है। अरे यार, तुमने अच्छा फोड़फट बनाया अब्दुल वहाब। अरे खाना खराब, सारी घड़ियां पकड़ी गई, पैरट टीवी पकड़ा गया, और तो और यार वो गर्मा गर्म किताबें भी पकड़ी गई। सुसुई देखिए, ये जो अब्दुल वहाब साहब है ना, उस दिन वो छुट्टी भी थे। I'm sorry। अरे यार, अच्छा छुट्टी पर थे, हमारी छुट्टी कर दी यार उन्होंने। इधर है क्या वो? है यार, वो मैं लेके आता हूँ। मैं आप यहीं रहिए, मैं लेके आता हूँ। मैं आप जानती हूँ उन्हें। अरे थोड़ी देर में भगवान दादा, मैं हूँ। अरे पकड़ ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब तो आप कर चुके हैं दादा। मैं तो भूल गया। अरे ये है ना, ये मेरे नहीं, और ये है ना मेरे बेटे के दोस्त, बड़े अच्छे आदमी, बेटे की तरह है। एक मिनट भाई। देखिए दादा, वो जो आदमी है ना, काफी अरसे से बोर कर रहा है। अच्छा, मैं जरा आपको उसके पास ले जाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ। मैं जो भी कहूँगा आप हाँ के। वो जो भी कुछ कहेगा, तुम कहोगे वो कहेगा, मैं हाँ कहूँ? देखिए दादा, आज आप मेरे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लाए, इतना भी नहीं करेंगे? करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। चलो, ये है, आपका नाम भूल गया। नाम भूल गया, हाँ, चमनपुरी। चमनपुरी। और ये है अब्दुल वहाब। अरे अब्दुल वहाब, अरे शामी कबाब। अब्दुल वहाब, बात ये है डार्लिंग, मेरे पास घड़ियां हैं, करती है। की कीमत पूछे
भाई साहब, मैंने ये नक्शा बनाया है। उनके आदमियों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक सोना यहां लैंड करने वाला है। खबर आसानी से मिली या मुश्किल से? मुश्किल से। कोई खास मुश्किल से नहीं भाई साहब। वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ भाई साहब, राजा उनके बहुत ही वफादार आदमियों में से है। जन्मदिन है, वरना किंग अपने सोने के बिजनेस में हाथ डालने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मैक, सीमा, बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। किसकी? एक हमसफर की। तो खोज लो कोई हमसफर। लेकिन सीमा जी, खोजने से थोड़ी मिल जाता है हमसफर। अपने पैरों पे खड़े रह के खोजो, जरूर मिल जाएगा।
अपने पैरों पे ही तो खड़ा हूं मैं। श्रीमान जी, ये आपके नहीं आपके पिताजी के पैर हैं। मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाला ना? सही बात का कोई गलत अर्थ निकालता है कभी? माँ को बहुत बुरा लगा पिताजी। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है बेटे। तो मेरा बुरा लगने का चांस क्या? भगवान करे तुझे बुरा लगने का दिन कभी ना आए। हैप्पी बर्थडे सन। थैंक यू पिताजी। कुछ कहना चाहते हो? लेकिन आप कोई गलत मतलब तो नहीं निकालेंगे ना? सीधी सही बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा पिताजी। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। गलत मतलब मत निकालेगा। Cheers, son. Cheers. बोल, बोल तकाले, बोल। प्लान के मुताबिक मैंने उन्हें सिर्फ गलत जगह का पता दिया था। गलत जगह का पता बताया था? दुश्मनों का क्या सपना आया था कि अपनी माल कहीं और क्या उतरने वाला है? एक साल से सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं हुई। इस बार फिर मात खानी पड़ी। उदय सुनेगा तो आग बगोला हो जाएगा और फिर से लेक्चर देगा कि डैडी, आदमी को हमेशा वन अप होना चाहिए। राजा, गेट मी दुबई। जाइए दुश्मन को कच्चा चबाकर पचा जाइए। तकार भी मत दीजिए। जिंदगी में सिर्फ जंगल का कानून चलता है डैडी। जिंदा रहना है तो ताकत चाहिए, दिमाग चाहिए, सूझबूझ, दांत पेश, दूरंदाजी और सेर पे सवार सेर होने का हौसला चाहिए डैडी। स्मगलिंग के धंधे में आदमी को हमेशा वन अप रहना चाहिए। वन अप रहना चाहिए, लेकिन वन अप रहा कैसे जाए? दुश्मन हमारी हर चाल को टू डाउन जो कर देता है। क्योंकि आप चाल गलत चलते हैं। रावण का उद्देश्य क्यों भूलते हैं डैडी? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन उसकी कमजोरी को पकड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेक्चर देना आसान है, लेकिन असलियत से जूझना पड़ता हमें। दुश्मन ने सालों से सोने के धंधे पर कब्जा किया हुआ है, नस नस से वाकिफ है धंधे की। कमजोरी पकड़ने की कोशिश तो की जाए, कमजोरी दिखे तब ना। ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसमें कोई कमजोरी ना हो। आप भारतीय संस्कृति को भूलते हैं डैडी। भीष्म पितामह, दुर्योधन, महारथिकर्ण, द्रोणाचार्य, किसमें नहीं थी कमजोरी? द्रोणाचार्य, अब तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, द्रोणाचार्य से याद आया। अबे याद आया तो बोलता क्यों नहीं? द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा। शाबाश, तो अपने द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा पर नजर रखी जाए। ठीक समय पर हम अपने जानी दुश्मन के होनहार बेटे से एक छोटी सी मुलाकात करेंगे। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? पहले मैं डैडी को सुनाता हूँ। अरे सुन तो। भाई साहब, टेलेक्स आया है। टेलेक्स? आज 10 तारीख है ना, ये कंसाइनमेंट टाइम टेबल से पहले नहीं है? नहीं भाई साहब, कोड वगैरह बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो डैडी, मुझे एक A1 जॉब मिला है। 3 हफ्ते में ज्वाइन करना है। रियली वेरी सन, गुड लक गुड लक। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैक, महेश को A1 जॉब मिला है। हेलो बेटे, मैं मैक बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई साहब। हाँ महेश। डैडी वो मैं जरा सीमा को मिलने जा रहा हूँ। और खाने पे देर से हो गया, हम तुम्हारा इंतजार ना करें, यही ना? गुड लक गुड लक सनी, गुड लक। भाईचारे का रिश्ता निभाने आया हूं। शायद खून निकाल कर जांच रहे थे, सगा भाई होंगे? नहीं नहीं, मैं तो धंधे के भाईचारे की बात कर रहा हूं। मतलब? मेरा बाप स्मगलर है। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी कहेगा तुम्हारा बाप स्मगलर है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर यह कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा बाप भी स्मगलर है। गर्म मत हो मेरे दोस्त, ठंडे दिमाग से काम लो। बात इतनी ही है कि पिछले 20 सालों में तुम्हारे डैडी स्मगलिंग के धंधे में वन अप रहे हैं, मेरे डैडी को हमेशा टू डाउन करते रहे हैं। अब समय बदल गया है, मैं बड़ा हो गया हूं और मैं हमेशा वन अप रहना चाहता हूं।
वैसे भी तुम्हारे डैडी के पास बहुत पैसा है और तुम्हें न तो इस धंधे की समझ है और न ही इसमें दिलचस्पी। क्यों नहीं तुम अपने डैडी को सलाह देते कि वो स्मगलिंग के धंधे से रिटायर हो जाए? ये अनाप शनाप जो तुम बक रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो मैं मान जाऊंगा? मैंने कब कहा मानो, ये नक्शा है। 2 बजे यहां पहुंच जाओ, अपने ही आंखों से देख लो अपने पिताजी के कारनामे हैं। इसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। पिताजी कहाँ? काम पे गए हैं बेटे। कहाँ पर? कहाँ पर माँ? मुझे नहीं मालूम। तो मैं नहीं मालूम, ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। कोई जरूरत नहीं, हमारा निशाना लग चुका है।
बिल्कुल अकेला हो गया हूं सीमा, मेरे पास रहो। मैडम कहीं बाहर जाने का इरादा है? किसने बच गए? नाउ बाप रे, कितनी देर से है तुम? चलो कपड़े बदल लो। बदलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है। जाना कहाँ है? तुम्हारे घर। माता जी खुदा के नेवता दे गई थी खाने का। अरे कुछ बता तो सही। ये नौता तुमने स्वीकार क्यों किया सीमा? बहाना बना के टाल क्यों रही? क्या
मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर फोन करते हैं। सीमा, सीमा, तुमने वचन दिया था इस बारे में कुछ नहीं पूछोगी। मैं अपना वचन पालने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं? अगर तुम्हारी नाराजगी की वजह का पता नहीं चलेगा तो मेरी कितनी फजीहत होगी। जब भी तुम्हारे माता पिता से मुलाकात होगी तेरी क्या हालत होगी? अगर अपने घरेलू मामलों को गुपचुप रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन मेरे कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाते हो? सामने टेलीफोन है, उन्हें फोन करके कह दो कि तुम नहीं आओगे। मैं क्यों फोन करूं? मुझे क्या गरज पड़ी? सोशल एटिकेट नाम की भी कोई चीज है। खाने पे जाना मैंने कबूल नहीं किया था। मैंने तो किया था। तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो। मुझे असलियत नहीं बताई गई थी। बताई गई होती और जानबूझकर मैंने निमंत्रण स्वीकार किया होता तो मैं अपनी गलती भुगतती। अगर तुम अपने डैडी से नाराज हो या फिर उन्हें फोन करने से डरते हो तो गुस्सा मुझ पे क्यों उतारते हो? लो, अब तुम्हें फोन करने की भी जरूरत नहीं। रिसीवर उठाकर कह दो कि तुम नहीं आओ। हेलो हेलो, क्या बात है, अभी तक पहुंचे नहीं? जी, बात यह है कि अभी वो काम से लौटे। अच्छा अच्छा अच्छा, कब तक पहुंचोगी? यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। जी, बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे से बात कर लें। लो, अपने डैडी से बात कर लो। मैं किसी का बेटा नहीं, ना कोई मेरा बाप है। अनाथ, मेरी नसों में किसी की काली करतूतों का जहर भरा हुआ है और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे बाप के देव मुझे शर्म आती है, इसलिए कि वो बाप कहलाने के काबिल नहीं है। जिंदगी में जो आदर्श एक बाप अपने बेटे को देता है, उन सारे आदर्शों को चकनाचूर कर दिया उन्होंने। विश्वासघात किया मेरे साथ, सुना तुमने? विश्वासघात क्या हुए मेरे साथ? भाई साहब के पास जाओ। मैं, मुझे अकेले रोने की आदत है, उन्हें नहीं। जाओ मैं।
दुश्मनों ने हमारी सोने की कंसाइनमेंट हाईजैक कर दी है। हमारे पहुंचने से पहले ही वो सोना लेकर अफुचक्कर हो गए। और आ जाएगा सोना? सवाल सोने का नहीं भाई साहब, धंधे पे अपनी पकड़ का है। पकड़ ढीली हुई तो धंधा से छूट जाएगा। छूट जाएगा तो छूट जाए। मुझे कौन सा बड़ा सुख दिया है इस धंधे में? भाई साहब, आपसे चाहे जितनी हमदर्दी हो मुझे, मगर असलियत को तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ महीने पहले पहली बार दुश्मनों ने हमको चपना दिया था। इतना ही नहीं बल्कि प्लान करके आपके बेटे को आपके धंधे की खबर कर दी, और उनका अंदाजा कितना सही निकला। बेटे के चले जाने के बाद आपने धंधे में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया, और अब उनका हौसला इतना बढ़ गया कि हमारी आंखों के सामने से सोने की कंसाइनमेंट उड़ा के ले गए। तो मैं क्या करूं? याद कीजिए भाई साहब, यहाँ इसी जगह पर कुछ महीने पहले आपने क्या कहा था? जिंदगी का ढर्रा अगर बदला तो क्या दुश्मन आपको जिंदा छोड़ेगा? बोलिए, रास्ता बदल के कैसे धंधे में जिंदा रहा जा सकता है? भाई साहब जवाब दीजिए। मैक, I'm sorry भाई साहब। क्या सोच रहे हो बेटे? यही कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं? इतनी कोशिशों के बाद पहली बार इतना बड़ा हाथ मारा है, फिर भी खुश ना हो? सिर्फ 10,000 तोला सोना ही तो हाथ लगा है डैडी। ये कुछ कम है क्या? बहुत कम है डैडी। सोने की अपनी कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है सोने के जरिए मिलने वाली ताकत की, और अब तक वो ताकत हमारे हाथ नहीं आई। अभी तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा है डैडी। अभी अभी तो मंजिलें और भी हैं। जब तक दुश्मन का पूरा धंधा हमारे हाथ नहीं आ जाता, जब तक हम इस धंधे के बादशाह नहीं बन जाते, तब तक बात नहीं बनती। और अब तो हमारे हाथ एक जादू की पुड़िया आ गई है डैडी। इधर महेश का हाथ मरोड़ा, उधर उसका बाप चीखेगा, और इस बार तो हाथ जरा ज्यादा ही जोर से मरोड़ने का इरादा है। हम दोनों का मेल, हम दोनों का मेल, प्यार का खेल ऐसा रंग दिखाएगा। अपने घर खिलौनों से खेलने खिलौना आएगा। हम दोनों का मेल, तेरी मेरी प्रीत की निशानी, गुड्डा हो गया के गुड्डी रानी। तेरी मेरी प्रीत की निशानी, गुड्डा हो गया के गुड्डी रानी। छोड़ भी दे से शर्माना, हम नए रीत है पुरानी। घूमेगी तू जब प्यार से वो, मम्मी कह के पुकारेगा। हम दोनों का मेल, प्यार का खेल ऐसा रंग दिखाएगा। हम दोनों का मेल।
गुस्सा वो होगा प्यारा प्यारा, देखेंगी निगाहें वो नजारा। गुस्सा वो होगा प्यारा प्यारा, देखेंगी निगाहें वो नजारा। उंगली पकड़ के वो चलेगा बनेगा बुढ़ापे का सहारा। जीवन अभी तो अधूरा सा है, पूरा तभी कहलाएगा। हम दोनों का मेल प्यार का खेल ऐसा रंग दिखाएगा। अपने घर खिलौनों से खेलने खिलौना। सीमा, घबराने की कोई बात नहीं। हिलने की कोशिश कर रहा है। वो दवाई कहाँ है? खत्म हो गई। अब बता रही हो? अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। कहाँ की शराफत है? यह शराफत नहीं, धंधा है। तुम्हारे धंधे से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताजी का। तो उनके पास जाओ, या वहां ज्यादा डर लगता है? वो चाल गलत होगी। क्या मतलब? हमने पहले उनको शह दिया था तुम्हारे जरिए, मात भी तुम्हारे जरिए देंगे। उदय, मैं कोई शतरंज का मोहरा नहीं, जीता जागता इंसान। हमारे खेल में कभी कभी इंसानों को भी मोहरा बनना पड़ता है। अगर तुम अपने पिताजी पर दबाव नहीं डालोगे तो दबाव तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी पत्नी के जरिए। उदय, कभी तो गलत चाल चलोगे तुम। उस दिन बुरी तरह धूल नहीं चटवाई तुम्हें तो मेरा नाम भी महेश नहीं। ठीक है, अभी तो जा रहा हूं अपने पिताजी के पास। जाकर उनसे कहूंगा गोली क्यों नहीं मार देते मुझे, अपनी बहू को भी, और जो पैदा नहीं हुआ उस बच्चे को भी। ये आज तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि आप नहीं मारेंगे तो आपके दुश्मन मुझे मारेंगे, और उसका कारण होंगे आप। आप लोगों के काले धंधे की दुश्मनी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं सोता हूं तो खौफ में, जाता हूं तो खौफ में, जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे खौफ ही खौफ नजर आता है। जानते हैं उसका कारण? क्योंकि मेरा बाप एक स्मगलर है। लेकिन तूने ये भी कभी सोचा कि किन किन हालात में इन्हें स्मगलर बनना पड़ा? उन हालात में दुनिया के करोड़ों आदमी जीते हैं मां, सबके सब स्मगलर नहीं बन जाते। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने ऐश आराम के लिए नहीं, अपने परिवार की रक्षा के लिए, उनको भूखों मरने से बचाने के लिए। तो मां, मैं भूखों तो नहीं मरा, लेकिन अब क्या मैं मरने से बच जाऊंगा? जाओ तो मां, बोलो, आप बताइए। कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास। पिताजी, आपने सिर्फ समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया, अपने खून के साथ भी किया है, उस खून के साथ जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। जिंदगी मिलने से पहले ही आपने उसके लिए मौत का सामान तैयार कर दिया।
क्षमा करना चाहते हो? बहुत से पापों का बोझ सह सकता हूँ, लेकिन अपनी औलाद के खून का पाप मैं नहीं सह सकूंगा। मैक, मुझे फौरन बाहर में मिला, अभी इसी वक्त। दुश्मनों ने आज रात फिर अपनी पुरानी चाल चली। पुरानी चाल यानी? हाँ मैक, उन्होंने फिर से महेश को धमकाया। बास्टर्स। हमें इसका इलाज खोजना होगा मैक। भाई साहब, ऐसे मौकों पर हमला करना बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। हमला अगर पूरी तरह कामयाब ना हुआ तो उसका बदला वो मेरे बच्चे से लेंगे। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर समझौता करना होगा। उनके साथ एक मीटिंग रखो। भाई साहब, समझौते के लिए हमने हाथ बढ़ाया तो वो सीधी गर्दन ही दबोच लेंगे। मीटिंग हुई भी तो वो खतरे से खाली नहीं होगी। वो मांग करेंगे कि आप अकेले आए और जगह भी वो तय करेंगे। पिस्तौल चलाना मैं अभी तक भूला नहीं हूं, मगर हो सकता है कि उनकी तरफ पिस्तौलों की संख्या ज्यादा हो। तो क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लेंगे। हाँ, मगर उसके बाद वो महेश की जान बख्श देंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी किसी भी बात की नहीं है। गारंटी सिर्फ एक बात की है, मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मुझे हत्यारा कहता है, मुझे पापी कहता है, और मैं चाहता हूं उसका जीवन खुशहाल हो, अपने बच्चों को वो मेहमान तक जीवन दे। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो कोई हर्ज नहीं। भाई साहब, कब से कब अपने बेटी की हत्या के पाप से तो बचाओ। भाई साहब, भाई साहब, हेलो। कल रात यहां 9 बजे, लेकिन अकेले। हमारा प्लान कामयाब हो गया है राजा। कल रात किंग समझौते के लिए यहां आएगा, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। किंग की चिता के साथ साथ महेश और मैक की चिता भी जलनी चाहिए। यह तुम्हारी और डैडी की जिम्मेदारी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी खान महेश की मां और बीवी को खत्म कर देना। उसके बाद मैं इस धंधे का बादशाह बन जाऊंगा। हेलो महेश। नहीं बेटा, फोन मत रखना। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं बेटा। जब तुम गुस्से में हो तो कैसे लगते हो, क्या करते हो? जब गुस्से में तुम होड़ काटते हो। क्या यही कहने के लिए आपने फोन किया था? नहीं बेटा, कल क्या दिन है जानते हो? कल? हाँ, बुधवार है। नहीं बेटा, देखो बेटा,
मैं इस कबाड़खाने से बाहर आना चाहता हूँ बेटा। ये पिछले 60 साल में जो जंग जो जाले जमा की है मैंने, उन्हें उतार के उन्हें पहुंच के तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें याद है बेटा जब तुम नहीं बेटा, तुम्हें याद नहीं जब तुम छोटे थे, बहुत छोटे, जब चलना सीख रहे थे तो मेरी उंगली पकड़ा करते थे। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं बेटा। सवाल है बेटा, कल मैं जानता हूं डैडी, कल आपका जन्मदिन है, याद है तुझे? याद है बेटा? क्या तुम्हें मेरा कौन सा जन्मदिन है? कल मेरा पहला जन्मदिन, और वो मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं, तुम्हारे घर आ जाओ। मैं जानता हूं बेटा तुझे, अच्छी तरह जानता हूं। कल आता हूं बेटा, कल आता हूं। कल पुराने 60 साल उतार के ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरी मर्जी होगी। जब खिलाड़ी दो हो तो मर्जी सिर्फ एक की नहीं चलती। अगर दूसरा खिलाड़ी चाहे तो खेल छोड़कर भाग सकता है। भागते सिर्फ गीदड़ हैं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। समझौता की मीटिंग तुमने बुलवाई थी, लेकिन समझौता मेरी शर्तों पर होगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में है। इधर मैंने महेश का बाजू मरोड़ा, उधर तुम्हारी चीख निकली। मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की तो काल की सुना तुम्हारी क्यों? धंधे की बात में दिमाग ठंडा और आवाज नीची होनी चाहिए। आपको इतराज ना हो तो यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बुजुर्ग हैं और हमारे मेहमान भी, ये गुस्सा छोड़ दीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये खेल मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। सब लोग अपनी अपनी जगह होशियार, कोई वार खाली न जाने पाए। ऐसा सुनहरी मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। और आप सोने के धंधे से रिटायर हो जाएंगे, बदले में आपके बेटे महेश की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे मंजूर है। इट्स अ डील। Thank you.
क्या बात है अंकल? डैडी कहाँ? भाई साहब, बेटे, भाई साहब अब नहीं रहे। महेश मेरा शिकार है। इस कमीने की लाश को और इसकी औलाद को यह तोहफा हमारी तरफ से पेश कर देना। जाओ। कोई वजह है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं? जब तुम्हारा बाप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था तब क्यों नहीं आया? सुनो, कानून की मदद करना क्या हर शहरी का फर्ज नहीं बनता?
अपने पिताजी से नाता तोड़कर मैंने ये समझा, मैंने पाप से दामन छुड़ा लिया है, ये मेरी भूल थी। अपने गुनाहों की कीमत पिताजी ने अपनी जान देकर चुका दी। मैं गुनाह और मासूमियत के बीच की कड़ी हूं इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे जान देने से भी यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। लहू के इस होली की छींटे मेरे उस बच्चे पर भी पड़ेंगे जिसे अभी इस दुनिया में आना है। मैं ये जंजीर तोड़ देना चाहता हूं इंस्पेक्टर। मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली नस्लें ये कातिलाना खेल फिर से खेलें। ये खेल मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप चाहें तो पहले उस पे सिपाहियों का पहरा रखवा दूं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, उस सूरत में उदय हमला ही नहीं करेगा। तो ठीक है, जिस वक्त उदय उसके साथी हमला करें तो फोन कर दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। का पैगाम नहीं, इनकी कोई नई चाल है, शायद वही चाल जिससे उन्होंने पिताजी को घेर के मार डाला था। आप पैलेस की हिफाजत कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन किसी भी तरह पहुंचने की कोशिश करता हूं। नहीं नहीं बेटे, चलो मेरे जीते जी तुम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। नहीं अंकल। बेटे पुलिस आने तक हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लो, पुलिस आने तक। हमें मजबूर नहीं किया जाएगा, हमारी तरफ से गोली नहीं चलेगी। इसकी अगर हम बात मारेंगे तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। चलो। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। Thank you.
सर मैं अभी बीवी का मार इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ पैलेस पे कौन से बल पैलेस पे जाने की तैयारी करो तुम जाओ महेश मैं इसे संभालू तक दुनिया का कोई भी मसला इससे हल नहीं हुआ और ना कभी होगा।